नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। प्रारंभ साक्षरता एवं पोषण विषयक तीन दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे व अंतिम दिन सीएम कॉलेज के एनएसएस इकाई के एक व दो के स्वयंसेवकों द्वारा गोद ग्राम वाजिदपुर में महिलाओं से महिला संबंधी स्वास्थ्य समस्या तथा पोषण विषय पर बातचीत के द्वारा जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। स्वयंसेवकों के द्वारा घर घर जाकर महिलाओं से मिलकर उन्हें अपनी दिनचर्या से कुछ समय निकालकर व्यायाम के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही महावारी के समय स्वयं का ध्यान रखना, पौष्टिक खाने की जानकारी, शारीरिक एवं आसपास पड़ोस की स्वच्छता के उपाय जैसे विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई और इन सभी माध्यमों से ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। इस प्रयास में लगभग 10 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। उनके नाम यह है सिमरन, खदीजा इरशाद, अंकिता सोनम, नेहा कुमारी, सफीना महफूज, अतिका भद्र, करीना जया, अलका कुमारी, साक्षी प्रिया, आमना हसीब। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल वार्ड 23 वाजिदपुर में भी छोटे मोटे और नन्हे प्यारे बच्चों के बीच स्वयंसेवकों एवं प्रेम स्वयं सेविका के द्वारा सफल पशु पक्षी के नाम को पहचानने व कहा गया और जिन बच्चों ने सही सही पहचान कर उत्तर दिया उन सभी को स्वयंसेवकों स्वयं सेविका की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 120 बच्चों ने अपनी भागीदारी दी। अंकिता सोनम, सफीना, नेहा, दिव्यांशु, अताउल्ला, करीना जया, इन सभी स्वयंसेवकों सेविका ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के तीसरे व अंतिम दिन के दूसरे सत्र में मध्य विद्यालय वाजिदपुर वार्ड 23 में स्वयंसेवकों एवं स्वयंसेविका ने मिलकर बड़े व छोटे बच्चे के बीच क्विज तथा मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर बच्चों को लाभान्वित किया। सभी छोटे बड़े बच्चों ने बड़ी ही उत्साह के साथ इस क्विज प्रतियोगिता में अपना हिस्सा लिया। जिन बच्चों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए उन्हें पेंसिल एवं पेन देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 8 में सिमरन ने बच्चों से अंग्रेजी प्रश्न पूछे, वहीं साक्षी प्रिया ने कक्षा 7 में विज्ञान से प्रश्न पूछे। इस कार्यक्रम में लगभग 180 से ऊपर बच्चों ने अपनी भागीदारी दी। वीडियो ही ना बोलिए उबर जाएगा ब्राइटनेस। मतलब क्या कि जो जरूरी साउंड नहीं है वो खाली जरूरी नहीं है वो वॉइस क्रिएट करता है। ठीक है, तो साउंड और वॉइस में डिफरेंस समझ लो। सब लोग ताली बजाइए इनके लिए। बाकी लड़कियों को तो कुछ देने का मन नहीं है, मेहनत की जाए तो मिल जाएगी।